क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ठीक है। तो रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमको एक्सप्लेन करने का है। जहां तक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को मैंने वीडियो में डाल दिया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, और इसमें भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because first, ठीक है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जगह में मैंने क्या समझाया था, कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन में यदि फोर साइड्स हो, फोर नंबर ऑफ साइड्स हो, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा उसमें, और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो रेक्टेंगल भी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि बोथ डायगोनल, क्योंकि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए खास क्या है कि इसके जितने भी डायगोनल हो वो इंटीरियर में हो तो कन्वेक्स होगा, ठीक है। और क्या हो, कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो तो ये कन्वेक्स होगा, ठीक है। एक डेफिनेशन और एक उसका प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था, तो इसको दोनों का दोनों पॉइंट लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो एक पॉइंट भी काफी है। क्या है, बोथ डायगोनल लाइज बिकॉज बोथ डायगोनल लाइज, ठीक है, बोथ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है, ऑफ रेक्टेंगल लाइज, ठीक है। रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल है वो क्या कहां लाइज होते हैं, इन द इंटीरियर ऑफ द, इन द, इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के इंटीरियर में ही लाई होते हैं, एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है कि मेजर ऑफ ऑल एंगल, मेजर ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, जितने भी एंगल हैं उसके मेजर क्या है, आर लेस देन, आप चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट में 90 डिग्री लिख सकते हैं, आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें यदि आपने एक पॉइंट भी लिख दिया तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये पॉइंट दूसरे पॉइंट को अपने आप डिफाइन करता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसको और इसको दोनों को लिखना है, मर्जी हो तो दोनों लिख दीजिए, मर्जी हो तो एक लिख दिया तो दूसरा अपने आप डिफाइन हो जाएगा। यदि आपने इसको लिख दिया तो ये डिफाइन अपने आप हो जाएगा, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने डेफिनेशन में भी समझाया था। और जरूरत इरादा हो तो दोनों का दोनों आप लिख दीजिए, तो क्या हो, बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा कि भाई ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही है, कन्केव ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।